तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं अपने इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो जो हमारी है इस मीटर के ऊपर है, यानी जो मीटर है ये हमारा नया मीटर है, इसकी रीडिंग 5152 है। 5152 रीडिंग है हमारी इसकी। और इसमें हुआ क्या है, ये आप जो देख रहे हैं कि ये जो रिंग है, ये चोट लगने के कारण ये शीशा और ये रिंग टूट चुका है। तो गाइस, इसका जो मीटर है, इसका जो मीटर पड़ता है आपको अप्रोक्स 1500-1600 रुपये के समथिंग है। अब हर इंसान का बजट तो होता नहीं कि वो नया डलवाए। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर रिम और शीशा कैसे डालना है। ख़ास तौर पर ये वीडियो मैकेनिकों के लिए है, बाकी जो कस्टमर हैं जिन्हें नहीं पता होता तो वो ये रिम डलवा सकते हैं। बाकी बेस्ट तो यही है कि इसको बदला जाए, लेकिन बास का बजट नहीं होता तो वो रिंग और ये चीज़ें डाल के काम चल जाता है। तो गाइस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह ओपन करना है। करीब ये जो सी किनारी है ना, ये किनारियाँ हैं, हमें एक पिन पेचकस की मदद से, ये किनारियाँ छुटानी है। जैसे हम किनारे छुटाएंगे वैसे ही ये जो है निकल जाएगा। वही चलिए मैं दिखाता हूँ किनारे किस तरह छुटानी है। ये ऐसे करके इसके अंदर जो है करना है, ताकि ये किनारे इसकी आसानी से उतर जाए। पिन पिच का थोड़ा छोटा है, हालांकि हमें पिन पिच जो है बड़ा लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल हमारे पास ये है तो हम इसकी मदद से इसको छुटा लेंगे। देखिए, तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए, ये इसका, ये रहा शीशा, गाइस हमें जो है ना ये रबड़ जो है, ये रबड़ निकालनी है। हमें इसको और अच्छे से निकालना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें काम हो जाएगा। ये रहा इसका रिंग और ये रही इसकी। तो भाई, ये इसके अंदर, ये इसका, ये रबड़ है और ये लोहे वाला रिम है, हमें इसका भी ध्यान रखते हुए इसके अंदर फिट करना है। स्टॉप करो। तो गाइस, हमारा मीटर अभी रेडी है। ये रहा लेंस, ये रहा इसका रिंग, ये रही रबड़ और ये रहा ऊपर वाला रिंग। तो गाइस, दरअसल ये वीडियो लेट इसलिए बनी है, हुआ क्या था कि ये जो हमारा जो लेंस है, मीटर वाला लेंस, ये बड़ा आ गया, यानी ये जो ये ऐसे फिट आना चाहिए, लेकिन ये इसके ऊपर बहुत आउट आ रहा था, जिसकी वजह से हमें जो है दिक्कत हुई। तो अगर कभी आपके साथ इन केस ऐसा हो जाए तो करना क्या है, ये जो लेंस है, जो स्पेशली आइस वाले जो चश्मा बनाते हैं, आइस वाले जो डॉक्टर होते हैं, उनके पास जाके आप ये छोटा यानी कटिंग करा सकते हैं। तो गाइस, हम आपको फिट करना बताएंगे कि इसको फिट कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। सबसे पहले गाइस, ये रखना है हमें, ये जो लोहे वाला कॉलर है इसको रख लेना है, उसके ऊपर ये लेंस
इस तरह रखना है। हमने लेंस रख दिया, इसको थोड़ा सा हम साफ कर लेंगे ताकि गंदगी जो है, ये गंदगी आई थिंक नीचे की है, तो हम इसको पलट लेंगे ऐसे, तो ये साफ। यस यस, तो गाइस उसके बाद हमें ये वाला जो रबड़ वाला है ये इसको लगाना है बिल्कुल देख के। उसके बाद ये लोहे वाला रिंग इस पे इस तरह ऐसे लगा देना है। तो यार ये लग तो गया, अब इसको फिक्स कैसे करना है मैं दिखाता हूँ। इसको उल्टा रखना है और आप ध्यान रखना इसको किसी बाहरी चीज़ पर रखना ताकि इसकी सपोर्टिंग में दिक्कत ना आए। तो हम ये बुक लेंगे, नोटबुक, हम इस नोटबुक पे इसको रख देंगे। उसके बाद करना क्या है यार, देखो सुनो, मैं तो आपको एक देसी फार्मूला बता रहा हूँ, मैं आपको जो है एक देसी फार्मूला बता रहा हूँ। हालांकि इसको प्रेसिंग करने वाली एक मशीन आती है, हमारे पास मशीन नहीं है और जो लोग बाग आउटसाइड होंगे शायद उनके पास भी ना हो। तो करना क्या है, ये जो किनारियां हैं आप कोई मोटी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि मैं ये चाबी यूज़ करूँगा, ये बड़ा रिंग बड़ा है और 30-32 चाबी है, इसको इसको ऐसे दबा के इसको यहाँ चोट माननी है ऐसे।